Subscribe to Shemaroo Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. Banjara, banjara, hamara aashiyana banjara. Banjara, banjara, hamara aashiyana banjara. Har koi aa yahan, jana anjana, dost begana. हर दिन अफसाना नया नया एक ताना बाना नया नया है सबका ये ठिकाना बंजारा बंजारा हमारा आशियाना बंजारा एक दो तीन चार पाँच छः सात वेरी गुड इसका मतलब मनीषा सात दिन मह के रहने वाली है टैक्सी बुलवा लो बस का टाइम हो गया टैक्सी बाहर खड़ी है मनीषा जब तुम पैकिंग कर रही थी मैंने मस्तान को टैक्सी लाने भेज दिया था अरे जब भी मैं मह के जा रही होती हूँ तुम्हारा हर काम टाइम पर कैसे होने लग जाता है हाँ जब तुम मैके जा रही होती हो तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसका मतलब मुझे मैके में ही रहना चाहिए रहना चाहिए क्या चलना चाहिए बाहर टैक्सी खड़ी है वेटिंग में चलो सूटकेस उठाओ यस देखो गेस्ट हाउस का ध्यान रखना रखूंगा काउंटर पर सोना मत नहीं सोऊंगा पपलू मत खेलना नहीं खेलूंगा और सिगरेट तो बिल्कुल भी मत पीना सिगरेट तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा बाय बाय मनीषा बाय सिगरेट तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा 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 डरारोगा वाह काश मनीषा अपने साथ साड़ियों से भरा हुआ एक सूटकेस और ले जाती हाय मनोहर हेलो मनोराम माय डियर फ्रेंड गुड टू सी यू यार तुम कब आए सिंगापुर से सिंगापुर से मैं सिंगापुर कब गया था कमाल करते हो पिछले साल तो तुमने कहा था कि तुम तीन साल के लिए सिंगापुर जा रहे हो वो तो लोगों पे इंप्रेशन मारने के लिए अच्छा मनीषा नहीं है यहाँ कैसी बातें करते हो यार मनीषा यहाँ होती तो मैं ऐसे खुलेआम सिगरेट पीता थैंक गॉड मनीषा सात दिन के लिए मैके चली गई हाँ यस यस अब मैं जितनी मर्जी चाहे सिगरेट पी सकता हूँ जितनी मर्जी चाहे पपलू खेल सकता हूँ अच्छा हुआ मनोरम तुम आ गए मैं पपलू खेलने के लिए पार्टनर ढूंढ रहा था क्यों वो तुम्हारा टीपी कहाँ गया टीपी चला गया पूना पिकनिक मनाने अच्छा हुआ चला गया दो दिन में मुझसे 5,000 रुपए जीत गया हाँ अब तुम आ गए हो ना अब मैं तुमसे जीतूंगा थोड़ी देर में मैं यहाँ पपलू खेलने नहीं आया हूँ तो तुम सिगरेट पीने आए हो अरे नहीं यार वो एक टेंशन है मेरे वो दिल्ली वाले अंकल है ना वो आ जा रहे हैं क्यों झूठ बोलते हो तुम्हारे पिताजी के तो दूर दूर तक कोई भाई नहीं है नहीं यार भाई नहीं उनके दोस्त वो जिनके वो 5 गाड़ियां हैं 6 बंगले हैं 10-10 होटल के मालिक हैं वो और उनके एक खूबसूरत सी लड़की है खूबसूरत सी लड़की है हाँ मैं समझ गया और तुम उस खूबसूरत सी लड़की से प्यार करते हो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि उनका दामाद भी उनकी तरह एफिशिएंट बिजनेसमैन हो ओहो हो और वो तो तुम हो नहीं सकते हाँ इतने दिनों में केवल एक मैनेजर बन पाया हूँ वो भी तुम्हारी तरह हस्बैंड का मैनेजर नहीं सिर्फ एक मैनेजर अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है अब वो तुम्हारे होने वाले ससुर जो है आज आ रहे हैं अब आज आज में तुम मैनेजर से मालिक तो बन ही नहीं सकते वो तो मैं बन चुका हूँ बन चुके हो वो मैंने एक झूठ बोल दिया है मैंने कहा है मैं बंजारा गेस्ट हाउस का मालिक हूँ तुमने कहा है तुम बंजारा गेस्ट हाउस के मालिक हो व्हाट बंजारा गेस्ट हाउस के मालिक हो तुमने उनसे मुझसे बिना पूछे झूठ बोल दिया अरे यार वो क्या है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर व्हाट फेयर इन लव एंड वॉर अगर यहाँ मनीषा को पता चल गया ना तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा वर्ल्ड वॉर वो सब तुम संभाल लेना है ना कल सुबह उनको वापस भेज देंगे अरे मैं कैसे संभालूंगा यार मुझसे नहीं संभलेगा अरे नहीं यार वो कल सुबह वापस चले जाएंगे कल सुबह वापस चले जाएंगे लेकिन आज तो संभालना पड़ेगा ना मेरी हालत खराब हो जाएगी यार अरे उसके लिए मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगा 1,000 रुपए दे दो नहीं लेकिन उसके लिए मुझे अपने स्टाफ को पटाना होगा उसके लिए मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा बस 500 रुपए दे दोगे
Yes. नहीं 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 साहब नहीं, इतने सस्ते में हम पटने वाले नहीं। 50 में काम नहीं बनेगा। अच्छा 75? अरे साहब जी ईमान इतना सस्ते में नहीं बिकता है। साहब राउंड फिगर करो, राउंड राउंड। अच्छा 100 दो। 100? बहुत 100 ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा ये 100 ये 200 रुपए दो साहब। साहब मनीषा मैम साहब जो है बहुत रिस्क है, मतलब आप समझ लगा मनीषा मैम साहब। ये 200 बस ठीक है, हो गया पॉल, ठीक है, हो गया। अच्छा हो गया। तो अब एक बात तुम ध्यान से सुन लो, आज से इस गेस्ट हाउस का मालिक मनोहर नहीं मनोरम है। और सुनो, मनीषा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। हाँ तो अब जल्दी से बताओ कि आज से इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है। अय्या अंकल, वेलकम टू बंजारा गेस्ट हाउस। ये है मेरा छोटा सा गेस्ट हाउस। छोटा? अरे ये तो काफी बड़ा है। वेल डन माय बॉय, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक साल में बहुत तरक्की कर ली तूने। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द मेरी तरह 10-10 होटल का मालिक बन जाएगा तू। इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मनोहर, मनोहर मेरे अंकल, अंकल अंकल, ये मैनेजर है। हेलो यंग मैन। मैनेजर तुम काउंटर छोड़कर कहाँ गए थे? जी आई एम सॉरी, मैं ये काउंटर पर रखने के लिए फूल लेने चला गया था। काउंटर फूल? यस। पीले फूल? तुम्हें मालूम है ना मनोरम, मुझे पीले फूल पसंद नहीं है। फूल हमेशा लाल होने चाहिए, लाल। लाल फूल होने से क्या होता है कि कस्टमर के साथ आपका प्रेम बढ़ता है, खासतौर पर लेडीज कस्टमर के साथ। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं लाल फूल रखूंगा, काउंटर पर भी रखूंगा, कमरों में भी रखूंगा। गुड, वेरी गुड। एफिशिएंसी का दूसरा नाम है लाल फूल। यस। मैनेजर अंकल के लिए कौन सा फूल, आई मीन कौन सा कमरा रखा है? अंकल के लिए कौन सा कमरा रखा है? रखा है 8 नंबर, रूम नंबर 8, एयर कंडीशन। और हमारे गेस्ट हाउस के एयर कंडीशन कभी खराब नहीं होते हैं। यस वेलकम टू बंजारा गेस्ट हाउस सर। ठीक है, वेरी गुड। साहब को रूम नंबर 8 में ले जाओ। हाउ इज योर लगेज सर? फाइन। चाबी, चाबी, चाबी मैं उठाता हूँ। सामान भी तुम उठाओ। यस यस, गुड गुड गुड। अंदर आओ तुम। तो अभी से इतना परेशान हो गया हूँ, आगे क्या होगा। लेकिन देखा तुमने मस्तान को, 200 रुपए में कितना एफिशिएंट हो गया। 1000 रुपए दिए होते तो अंकल को उठा ले जाता है। अच्छा ही होता। एनीवे चलो अब अपन पपलू खेलते हैं। ओके मनोहर, मनीषा, मनोहर, मनीषा, मनीषा तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैं इतनी जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि मेरी बस ही मिस हो गई। बस ही मिस हो गई? लो मनोरम, मनीषा की बस ही मिस हो गई। मनोरम, 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 मैं यहाँ हूँ। मनोरम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गई। जैसे ही मैं मायके के लिए बाहर निकली तुमने इसको पपलू खेलने के लिए यहाँ बुला लिया। नहीं नहीं, पपलू खेलने के लिए नहीं बुलाया, नहीं वो ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। पपलू की? नहीं पपलू की नहीं, वो क्या है मनीषा कि मनोरम भी बहुत जल्दी मेरी तरह किसी गेस्ट हाउस का मालिक बनने वाला है, तो मैं इसे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तुम खुद मैनेजमेंट कोर्स में 4 बार फेल हो चुके हो। देखो अगर मैंने तुम लोगों को पपलू खेलते हुए पकड़ लिया ना तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। नहीं अच्छा नहीं होगा, लेकिन मनीषा तुम इतनी जल्दी वापस आ गई ये भी तो अच्छा नहीं हुआ ना। अरे नहीं, मतलब अगर एक बस मिस हो गई तो दूसरी बस से चली जाती, टैक्सी से चली जाती, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। लेकिन अगर मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम होगी ना, तुम उनको फोन करके तो बताओ। मैं उनको फोन कर चुकी हूँ और वो खुद यहाँ आ रही है। क्या? वो खुद यहाँ आ रही है? मनीषा, मनोरम तुम्हारे अंकल आ चुके हैं और अब इनकी मम्मी यहाँ आ रही है। गुड, वेरी गुड, एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लेस, वेल मेंटेन्ड किचन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आप बंजारा गेस्ट हाउस स्पेशल चाय पीकर देखिए और कहिए कैसे लगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे चाय ऐसे बनाते हैं क्या? फिर कैसा बनाता है? अरे चाय में तुमने अदरक डाला, इलायची डाली, दालचीनी डाली, तुलसी डाली, मसाला डाला। सर सर एक मिनट, ये आप चाय का रेसिपी बोलता है कि फिर सूप का?
बैंगन तो यहाँ बैंगन लेके आया। मैं आपके लिए बैंगन का भरता बनाने वाला हूँ। नहीं, मुझे बैंगन से एलर्जी है, ये खाते ही मेरा गला है ना टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आपको टमाटर सूट होता है? हाँ, टमाटर मेरी पहली पसंद है। आज के बाद हर एक डिश में टमाटर आपके लिए, टमाटर का सूप, टमाटर का ऑमलेट, एवरीथिंग टमाटर। वेरी गुड, वेरी गुड। कम हियर, कम हियर। पहले मेरे लिए मसाला डालकर एक फर्स्ट क्लास चाय लेके आओ। गुड बाय, गुड बाय। आई लाइक यू मस्तान। एक 10-15-20 किलो टमाटर लेके आओ जो आपके लिए जल्दी से। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? ओ यस मनीषा, क्या कर रहे हो? वो प्यार बढ़ा रहा हूँ। फूलों से। ओ, ये लाल फूल यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल ने कहा है ना। नहीं, वो अंकल फैंटम द ग्रेट फिलोसोफर ने कहा है कि अगर काउंटर पे लाल फूल रखे जाए तो कस्टमर के साथ प्यार बढ़ता है। जी नहीं, मेरी ग्रेट मदर ने कहा है कि अगर काउंटर पे येलो फूल रखे जाए तो कस्टमर के साथ दोस्ती बढ़ती है। इसलिए तुम ये हटाओ और वो रखो। ओके, एक्सक्यूज मी। यस वरी बाबा, इधर एक डबल रूम मिलेगा। मिलेगा, क्या नाम है आपका? गुलाब जी, फूल चंदानी। गुलाब फूल चंदानी। वरी बाबा नाम लिखो नी, ये चेहरे पे थोड़ा दाग है तो मत देखो। गुलाब फूल चंदानी लिखो नी। मस्तान, इनको रूम नंबर 8 में ले जाओ। हाँ, रूम नंबर 8 में ले जाओ। 8 नहीं, रूम नंबर 8 में, रूम नंबर 2 में ले जाओ। रूम नंबर 8 में क्यों नहीं? 8 में क्यों नहीं? 8 का रिनोवेशन चल रहा है। हाँ, वो 8 का हैंडल टूट गया। अच्छा ठीक है, तो इन्हें रूम नंबर 2 में ले जाओ। साहब क्या हैंडल गया सिचुएशन? साहब अब बैग उठाओ, मैं चाबी उठाता हूं। अब कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। यस यस, ये मस्तान को हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी हैंडल करता हूँ। लाल फूल। सर, स्मार्ट बॉय। अरे सब, अब क्या कर रहे हो? बैग मुझे दो ना। वेरी गुड, तुम्हें अपनी होटल में ले जाऊंगा मैं। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अक्टूबर हीट। जनवरी में थोड़ी जल्दी आ गई। पॉल? यस मैडम। पॉल, क्या कर रहे हो? टमाटो सलाद। ओह नो, और इसमें क्या है? टमाटो सब्जी। अरे, और इसमें? टमाटो सूप। पागल हो गए हो क्या पॉल? टमाटर का सलाद, टमाटर की सब्जी, टमाटर का सूप, टमाटर का भाव गिर गया है क्या? अरे नहीं रे, नहीं, उल्टा बढ़ गया है, 10 रुपया किलो हो गया है। तो फिर ये सारी चीजें टमाटर की क्यों बना रहे हो? क्योंकि अभी बंजारा गेस्ट हाउस का स्टैंडर्ड भी टमाटो की माफक बढ़ाने का है। साहब ने बोला है हर डिश में टमाटो होना मांगता है। समझी, मनोहर जानता है ना कि मेरी मम्मी को टमाटर से एलर्जी है, इसलिए वो जानबूझकर हर डिश में टमाटर डलवा रहा है। मालूम है, अब आप बोलेंगे कि हर डिश में बैंगन होना मांगता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपकी मम्मी को पसंद है। यस ऑफ कोर्स। और आज से बैंगन का सलाद, बैंगन की सब्जी, बैंगन का सूप, किचन में सिर्फ बैंगन ही बैंगन दिखना मांगता है। समझा? श्योर मैडम, ओनली बैंगन एंड नो टमाटो। करेक्ट, राइट। मस्तान, 10-20-15 किलो बैंगन लेके आओ जाऊं फास्ट। हेलो बंजारा गेस्ट हाउस। जी मैं मनोहर बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रही हो? अच्छा अच्छा, तुम ही हो मनोरम के पिताजी के दोस्त, यानी कि मनोरम के अंकल की बेटी। यस यस, तुम्हारे डैडी हैं, अभी बुलवाता हूँ। किसके डैडी? किसके डैडी की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, डैडी तो अंकल के साथ अभी अभी बाहर गए हैं। नहीं नहीं, अंकल के डैडी तो यहाँ है ही नहीं। नहीं नहीं, डैडी के अंकल तो अभी अभी गए ना। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो, अंकल के डैडी डैडी के अंकल के साथ अभी अभी यहाँ से बाहर चले गए हैं। यस भाई, क्या हो रहा है, किससे ऐसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे अंकल की बेटी से। तुम्हारे अंकल की बेटी कहाँ है? उनके तो 2 बेटे हैं। अडॉप्शन। पागल हो गए हो क्या मनोहर? अडॉप्शन, ये क्या बात हुई? नहीं, रॉन्ग नंबर हुई। नहीं, आई मीन अडॉप्शन हुई फिर रॉन्ग नंबर। क्या बोल रहे हो तुम, क्या हो गया? रॉन्ग अडॉप्शन, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ मनीषा, मैं क्या करूँ, वो मदर इन लॉ आने वाली है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। थोड़े से नहीं, तुम बहुत से कंफ्यूज हो गए हो, इसलिए तुम बैंगन की जगह टमाटर मंगा रहे हो, लाल फूलों की जगह पीले फूल मंगा रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है? अब मैं क्या करूँ, वो तो सबके साथ होता है, दुनिया के सारे दामाद अपनी मदर इन लॉ से डरते हैं, उनके आने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। अगर तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो रही है तो तुम आज से अपनी एफिशिएंसी को डबल करने के लिए डबल उबले हुए अंडे खाओगे। ओके ओके,
डबल उबले हुए अंडे कहाँ से खाऊं? इस गेस्ट हाउस में वो मनोरम और उसके अंकल दो जो डबल झंडे गड़े हुए हैं। मनोरम का बच्चा मेरा हार्ट फेल करवा के छोड़ेगा। मनोहर, मनोहर। अबे मनोरम तुम कहाँ चले गए थे? वो तेरे अंकल पांच पांच मिनट में आकर मुझे टेंशन दे रहे हैं यार। अरे यार उन्हीं का टिकट कटवाने गया था, कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं। नहीं कल सुबह की फ्लाइट से नहीं, उन्हें अभी की फ्लाइट से भेज, क्योंकि अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल प्लेन की तरह हो गया हूँ। ठीक है आओ स्वामी आओ आओ, ये है बंजारा गेस्ट हाउस। ओ मर गए। अबे क्या हुआ मेरे मालिक? अबे उल्लू की तुम, हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि अभी मालिक तुम हो, मैं नहीं। अरे यहाँ का मालिक नहीं यार, जिस होटल में मैं काम करता हूँ उसका मालिक मिस्टर स्वामी। जिस होटल में तू काम करता है उसके मालिक मिस्टर स्वामी? यू मीन टू से एक और प्रॉब्लम? लुक्स वेरी इंप्रेसिव। ये मेरे होने वाले दामाद है, मनोरम उसका है, आओ उससे मिलवाता हूँ। आओ क्या हेलो, ये पीले फूल कैसे आ गए वापस? आई एम सॉरी सर, वो खराब क्लाइमेट को देखकर फूल लाल पीले हो गए, आई मीन लाल फूल पीले हो गए, लेकिन अब आपको देख लिया है तो पीले फूल लाल हो गए। ये देखिए एफिशिएंट बॉय, वेरी एफिशिएंट बॉय। अब ये बताओ मनोरम कहाँ है? मनोरम आपका टिकट कटवाने गया है। आई मीन आपकी फ्लाइट का टिकट कंफर्म करवाने गया है। एफिशिएंट बॉय, वेरी एफिशिएंट बॉय। आई टेल यू स्वामी, ये मनोरम है ना, एक दिन होटल इंडस्ट्री का सचिन तेंदुलकर बनने वाला है। जरूर बनेगा जी। हेलो सर, हेलो 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 मिस्टर कस्टमर साहब, आपको सिंगल रूम चाहिए या डबल रूम चाहिए? डबल रूम 600 एंड सिंगल रूम 300। हर रूम में एसी है और आपको हमारे गेस्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम। क्या बोलते जी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो क्या है, जब भी मैं किसी नए आदमी को देखता हूँ तो मैनेजरी की प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। वेरी एफिशिएंट बॉय, आई टेल यू वेरी एफिशिएंट बॉय। सॉरी आपके रूम की घंटी खराब हो गई थी, लेकिन अब आपके रूम की घंटी ठीक हो जाएगी, आप घंटी बजाइए, मस्तान आएगा। आई विल बी एट योर सर। फिलहाल तो मस्तान को बोलो हमारे लिए खाना लगवाए, हम खाना खाएंगे। यस सर। आओ स्वामी, चलो चलो। इससे पहले मनीषा आए, ये पीले फूल, यू ब्लडी फूल। देखा क्या बढ़िया खाना बनाया है, यू आर वेरी एफिशिएंट को। बहुत थैंक यू, लाइक यू मैनेजर। यस सर, मेरी ओर से 100 रुपया टिप दे दो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। साहब आप ये खाइए ना, टमाटो सलाद। मैंने काटा है सर, नमक मिर्च मैंने डाला है। अच्छा, वेरी एफिशिएंट बॉय। मैनेजर इसे मेरी ओर से 100 रुपये दे दो। देखा स्वामी, देखा कितने एफिशिएंट स्टाफ है ये। एक दिन याद रखना, मेरा मनोरम है ना, ये होटल की रेस के घोड़े में सबसे पहला आएगा। वेरी एफिशिएंट स्टाफ। Look at the manager. Yes. Such a smart guy. Yes, yes. Manager. Yes, sir. Any or say, आप 200 रुपये टिप रख लो। Yes, sir. उसका पास चलता है, उपवास है, उपवास आपकी बेटी पाने के लिए, अच्छी बीवी पाने के लिए सर। ठीक है, बड़े एफिशिएंट स्टाफ, आई एम रियली हैप्पी। मैनेजर सबको मेरी ओर से एक 100 रुपया और दे दो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। वो ये फोन इतनी जोर जोर से बज रहा है, कोई उठाने वाला है नहीं, कोई रिसेप्शनिस्ट रखनी पड़ेगी। किसी ओल्ड लेडी के लिए इश्तेहार दे देती हूँ। हेलो बंजारा गेस्ट हाउस जी, आप कौन बोल रही हैं? मनोरम के अंकल की बेटी जी? जी मैं मनीषा बोल रही हूँ जी। नहीं रिसेप्शनिस्ट नहीं, मैं बंजारा गेस्ट हाउस की मालकिन बोल रही हूँ जी। हाँ मालकिन, यहाँ के मालिक की इकलौती बीवी मनीषा। Very strange. Manohar? Manohar? अरे यार तेरे ये अंकल सिर्फ आते हैं जाते क्यों नहीं है? अरे भाई तुम कहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाते हो? अंडरग्राउंड नहीं अंकल, अंडर काउंटर। वो कस्टमर ज्यादा आ गए हैं इसलिए टेंशन बढ़ गया है। वेरी एफिशिएंट मैन। यस वेरी एफिशिएंट। अरे तुम रोती क्यों हो? तुम्हारी सहेली ने कुछ कह दिया क्या? डैडी। अरे तुम रोती क्यों हो? नहीं 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 रोना नहीं, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ ना डैडी। नहीं देखो है ना, मैंने तुम्हें बहुत लाल प्यार से लाल गुलाब की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें तो इस आदमी के साथ शादी के बाद डोली में बैठते वक्त रोना चाहिए। डैडी आंसू। डैडी अब ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों? ये दुल्हा ऑलरेडी बिक चुका है। क्या? हाँ डैडी, इसकी शादी हो चुकी है। किसके साथ? मनी
मनीषा के साथ। मनीषा कौन है? मनीषा मैं हूँ। मैं बताता हूँ, मालकिन तो यही है लेकिन मेरी बीवी नहीं है। हैं? ये किसकी बीवी है? किनकी? तुम कौन हो? मैनेजर। तो फिर मालिक कौन है? ये है। ये तो मालकिन है, मैं मालिक पूछ रहा हूँ, मालिक कौन है? मालिक ये है। नहीं मालिक, यार तुमने ये कहाँ फंसवा दिया। मैं आपको सच सच बताता हूँ कि इस गेस्ट हाउस का ठीक नहीं, मैं सच सच बता रहा हूँ कि इस... अरे नहीं, नहीं, आप क्यों बताते हो, मैं बताता हूँ ना, हमारे मालिक ये है। सच वो वाला सच बताना है। सच वही ना, सच वो वाला। अरे वो सच नहीं, सच 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 200 रुपए वाला सच। अबे सुनिए, बाप की गलत सहमी को दूर करने के चक्कर में ये लड़की आ गई है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें सच 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 बताना है। सच बोलने के 400 रुपए लगेंगे। दूंगा दूंगा। ओके मैं सच बताता हूँ। तुम जो मैं सच इससे सुनना चाहता हूँ, बताओ सच क्या है? अंकल बात यह है कि वो डैडी। नहीं 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 बेटा, रो मत, तूने फिर मेरी बेटी को रुला। यू चीट, यू लायर, यू इनएफिशिएंट मैन। अंकल प्लीज, तुम किस पर लायर पीले होते हैं जी? किसी को चीट लायर बोलते हैं? ये तेरे पीछे खड़ा है उसको। अयो मनोरम है स्वामी, तू उसको जानता है क्या? अयो ये मनोरम मेरा मैनेजर है, 100% एफिशिएंट। मनोरम तुम इधर क्या करते जी? मिस्टर स्वामी, अंकल मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। आप चाहते थे कि आपका दामाद एक होटल का मालिक हो। मैं मनोहर के पास आया और उसने मुझे बंजारा गेस्ट हाउस का नकली मालिक बना दिया। मनोरम तुमको नकली मालिक बनने का क्या जरूरत है? हम तुमको अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया। और मिस्टर शरद अब हम उसको अपना दामाद बनाने वाला है। तूने मेरी बेटी को रुलाया है? अरे ये पार्टनर होगा तेरा, दामाद बनेगा मेरा। कौन कहेगा लेकिन बंजारा बंजारा हमारा आशियाना, बंजारा 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 हमारा आशियाना बंजारा। हर कोई आया यहाँ जना अनजना, दोस्त बेगाना एक से एक दीवाना, हर दिन अफसाना नया नया, एक ताना बाना नया नया, नया।